Assalamualaikum guys, this is Abdul Rahman from SSG Mobile. So guys, क्या हाल चाल, एकदम मजे में फिट फाट। सो बाबा जी, आज की इस वीडियो में हमारे पास मौजूद है OnePlus का OnePlus 6, जिसकी 8GB रैम है, 128GB बिल्डर मेमोरी है, Snapdragon 845 का इसमें हमें चिपसेट देखने को मिलता है। आज की इस वीडियो में इस डिवाइस का रिव्यू करने वाला हूँ, देखते हैं इसमें क्या क्या स्पेक्स देखने को मिलते हैं, क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं, क्या ये पाकिस्तानी मार्केट में ये डिवाइसेस बाय करने के काबिल है या नहीं। अगर आप इन डिवाइसेस को बाय करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बता दूंगा आप कैसे बाय कर सकते हैं। अगर आप मुझसे बाय करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर मिल जाएगा जोन का, उस पर आप मुझे व्हाट्सअप करिए, ओनली व्हाट्सअप करिए, इसकी डिटेल लीजिए और जो जो इस पर ऑफर्स होगी, जो जो इसकी प्राइस होगी वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा कि भाई इसकी प्राइस है। वैसे अगर मैं इसकी प्राइस बात करूँ पाकिस्तानी मार्केट में तो 38 से 40 हज़ार रुपये के करीब चल रहा है प्लस चार्जर, तो हमने थोड़ा सा डिस्काउंट ऑफर इसमें रखा है, इसमें हमने चार्जर थोड़ा सा अच्छा डाल दिया, यानी कि 20 वाट का चार्जर डाल दिया प्लस सी टाइप केबल, वो भी A1 क्वालिटी की डाली है। और क्या क्या इसमें हमें देखने को मिलता है, चलिए मैं आगे जाके आपको टोटल डिटेल देता हूँ। और अगर आप इसको बाय करने के इंटरेस्टेड हैं तो आप वो मुझे डिस्क्रिप्शन में नंबर देख के मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको इसके रिलेटेड टोटल डिटेल बता दूंगा। फेस करिए, चलिए बात करते हैं हम इस डिवाइस के कॉम्प्लीट स्पेक्स के रिलेटेड। सो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले इस डिवाइस की बात कर ली जाए इसके फ्रेम के रिलेटेड। भाई प्लास्टिक टाइप इसका फ्रेम देखने को मिलता है, बैग जो है वो इसकी फुल शाइनिंग है, फुल ग्लासी बैग यहाँ पे हमें देखने को मिलती है बहुत ही प्यारी लुक के साथ। 128GB वाला वेरिएंट है, यहाँ पे हमें ये एक वाइब्रेटर की देखने को मिलता है जिसको आईफोन के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं, एज अ वाइब्रेट पे लगा सकते हैं। उसके अलावा पावर की का ऑप्शन भी यहाँ पे देखने को मिलता है। डाउन साइड की बात करें, यहाँ पे आपको स्पीकर देखने को मिल रहे हैं, चार्जिंग बेस देखने को मिल जाती है, हैंड फ्री जैक प्लस माइक देखने को मिल जाता है। लेफ्ट साइड बिल्कुल प्लेन है और यहाँ पे जा के आपको आपकी सिम पोर्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप अपनी सिम को इजीली तौर पे बिल्ड कर सकते हैं। अपर साइड बिल्कुल प्लेन है और यहाँ पे आपको एक डेडिकेटेड माइक भी देखने को मिलेगा जो कि आपकी व्हाट्सएप पे कॉल पे काम आएगा। बैक साइड पे हमें 2 कैमरा सेटअप देखने को मिला, प्लस फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है और LED फ्लैशलाइट देखने को मिल रही है। पर अगर मैं बात करूं इस डिवाइस के डिस्प्ले के रिलेटेड तो भाई ऑप्टिक डिस्प्ले देखने को मिलता है, ऑप्टिक एमोलेड डिस्प्ले इसका हमें देखने को मिलता है, 6.2 इंच का यहाँ पे इसका डिस्प्ले साइज देखने को मिलता है, 1080x2080 पिक्सल की रेजोल्यूशन देखने को मिलती है। फ्रंट पे आप ये जो ग्लास की कवरिंग दे सकते हैं, ये गोरिल्ला ग्लास 5 लगाया गया है, एंड्रॉइड 8 की अपडेट देखने को मिलती है, एंड्रॉइड थोड़ा सा ओल्ड हो चुका है मानते हैं जिसको। चिपसेट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन हमें 845 की चिपसेट देखने को मिलती है जो कि गेमिंग के हिसाब से भी काफ़ी तगड़ी होने वाली है, पबजी के हिसाब से मुझे इसको जो है वो एक्सट्रीम यानी कि 60 FPS तक तो सपोर्ट करना चाहिए। तो ये थी इसकी परफॉर्मेंस। बाकी डिस्प्ले की आप स्पीड चेक कर सकते हैं भाई डिवाइस की, तो इससे पहले मैंने एक डिवाइस की रिव्यू किया था वो था एक्वस का, उससे 10 दर्जे ये इस टाइम ये डिवाइस हमें बेस्ट निकल के आते हुए नज़र आ रही है परफॉर्मेंस वाइज। और ओवरऑल अगर मैं इस डिवाइस की बात करूं, बैक पे जैसा कि आप देख सकते हैं हमें 2 लेंसेज देखने को मिले, एक लेंस इसमें जो है वो हमें 16 MP देखने को मिलता है, प्लस जो दूसरा लेंस है वो यहाँ पे हमें 2 MP का देखने को मिलता है 16 MP इफेक्टिव के साथ। तो भाई बहुत अच्छा इसका कैमरे की परफॉर्मेंस भी होने वाली है। यहाँ पे मैं आपको अगर रेयर कैमरा ऑन करके इसकी क्लियरनेस दिखाऊं एक पिक्चर खींच के, तो भाई आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वालिटी इसकी पिक्चर की, कलर कंट्रास्ट बहुत अच्छा निकल कर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, जो ट्रीज़ के कलर्स हैं उसके अलावा फ्लावर्स के कलर्स हैं वो भी बहुत ही अच्छे यहाँ पे इसने मेंटेन किए हैं, यहाँ पे बकायदा हमें कैमरा शो कर रहा है। इन डिवाइसेस में ये चीज़ नहीं होती जैसे इन बाकी अदर ब्रांड है टेक्नो रियलमी ये वो के लिख दिया है अंदर वो चीज़ हो या ना हो, वो चीज़ बाहर में जाए इनमें वो चक्कर नहीं होता। अब आप खुद आइडिया लगा लें कि भाई 20 MP का कैमरा भी किस हद तक परफॉर्मेंस दे रहा है आपको। कैमरा रिजल्ट आपने यहाँ पे देख लिया। सेल्फी कैमरे की बात कर लीजिए तो 16 MP की यहाँ पे सेल्फी कैमरे देखने को मिल जाती है, HDR जायरो या इसका ऑप्शन देखने को मिलता है। फ्रंट कैमरे से आप 1080p से 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और बैक कैमरे से अगर मैं इसके वीडियो क्वालिटी की बात करूं तो बैक कैमरे के साथ जो आप इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं वो है इसमें मैं 720p के ऑप्शन देखने को मिलता है 480 FPS के साथ। उसके अलावा यहाँ पे 4K 30 60 FPS पे भी 1080p 30 60 240 FPS तक भी बैक कैमरे से आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। वीडियो रिकॉर्ड के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो काफ़ी अच्छी इसकी परफॉर्मेंस। अगर आप व्लॉगिंग के लिए भी ये डिवाइस को बाय करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं भाई क्लीननेस।
व्लॉगिंग के हिसाब से भी आप इस डिवाइस को बाय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पे हमें इसकी निकलने का देखने को मिल रही है। बाकी फ्रंट कैमरा भी उम्मीद है काफ़ी अच्छा वर्क करता होगा। ओलम भाई आपके सामने वीडियो क्रिएट कर रहे हैं और लाइट का कबाड़ा इन्होंने मार दिया। और अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, ऑनेस्टली ये टाइम देखिए, रात के 2 बज रहे हैं 2 बजे भी लाइट लेके जा रहे हैं भाई। सारा काम की सारी मेहनत की सत्यानाश इन्होंने मारा हुआ है, बेड़ा गर्क किया हुआ है। बहरहाल जो भी है वीडियो को कंप्लीट करते हुए इनका खटापा ही चलता रहना है, ये नहीं चेंज होने वाला। इसकी बैटरी की बात कर दो, 3300 mAh की इसकी यहाँ पे हमें बैटरी देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी बैटरी परफॉर्मेंस भी रखती होगी। उसके अलावा यहाँ पे हमें 20W का फास्ट चार्जर देखने को मिला, जो कि पीछे कंपनी की तरफ से पाकिस्तान में तो नहीं आता क्योंकि रिफर्बिश होकर आता है। बहरहाल हम आपको इसके साथ 20W का फास्ट चार्जर लाजमी से देंगे। फाइनली जो है लाइट आ चुकी है, ज़्यादा बात नहीं करना चाहते हम इसके रिलेटेड। तो यहाँ पर आप ये डिवाइस देख सकते हैं, वन प्लस का वन प्लस 6। ओवरऑल तकरीबन इसकी टोटल स्पेक्स जो थी वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका था, हर चीज़ आपके साथ बता देती है। एक स्टार्ट में एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था कि मैंने जो 20W का कहा था, इसके साथ जो चार्जर है वो 30W का वन प्लस का ओरिजिनल अडाप्टर आपको साथ मिलेगा अगर ये आप हमसे बाय करना चाहें तो। मैं बॉक्स ओपन करके आपको इसकी चार्जर की क्वालिटी भी दिखा देता हूँ भाई। बहुत ज़्यादा हैवी वेट इसका यहाँ पे ये चार्जर देखने को मिलता है वन प्लस की तरफ से। इसका वन प्लस का ओरिजिनल चार्जर है, 33W का ये चार्जर है और उसके साथ साथ आपको ये वन प्लस की ही ओरिजिनल केबल देखने को मिलेगी, ठीक है। कोई लोकल केबल ही मैं इसके साथ आपको दूंगा, ये आप ओरिजिनल केबल ही आप देख सकते हैं। केबल की क्वालिटी है जो वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि भाई ओरिजिनल 100% इसकी केबल जो है वो मैं आपके सामने दूंगा। चार्जिंग की केबल भी बहुत अच्छी। अगर आप चार्जर के साथ इसको बाय करना चाहते हैं तो 40,000 के करीब आपको ये डिवाइस पड़ जाएगी PTA अप्रूव के साथ। जी हाँ गाइज, ये चक्कर नहीं है कि ये डिवाइस PTA अप्रूव नहीं है, ये वो तो वो आपके साथ ब्लैक मिलिंग नहीं मैं करूँगा। ये डिवाइस PTA अप्रूव आपको देखने को मिलेगी 33W के चार्जर के साथ, और इसके साथ कुछ भी नहीं आता। बाकी डिवाइस का कंप्लीट व्यू मैंने जो है वो आपके सामने शेयर कर दिया, हर चीज़ उम्मीद है आपको क्लियरली मैंने बता दी होगी और आप लोगों को समझ भी आ गई होगी, और मैं उम्मीद भी करता हूँ आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। बहरहाल अगर आप वीडियो इसके रिलेटेड कुछ और चाहते हैं तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसके रिलेटेड भी आपके लिए वीडियो बना दूंगा। बहरहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो कीप सपोर्ट मी, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर watching।